गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, हम ऑलरेडी अपने चैनल की तरफ से आप लोगों को कई वीडियो रिगार्डिंग रेशियो एनालिसिस का हम दे चुके हैं, और आज हम फिर से क्लास में एक नया वीडियो जो कि सेमेस्टर सिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये बोली जाती है बीकॉम ऑनर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के लिए। तो अभी हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए, ये है, ये बड़ा सम्स है, और अब तक मैंने जो कुछ भी बताया है ये सब सारा चीज छोटा सम्स मैंने बताया है। तो अगर आपको एक बड़े सम्स में आने के लिए आपको पहले छोटा सम्स का नॉलेज करना बहुत जरूरी है, तो हम छोटा छोटा वीडियोस हम आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है। आपको ये सम्स पहुंचने के लिए पहले वो छोटा सा सम्स को पहले आप लोगों को गो थ्रू करना होगा, देखना पड़ेगा, और अगर आप लोग उसको अच्छे समझ जाइएगा तो डेफिनेटली ये सम्स बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अब बात आता है बड़ा सम्स का, तो ये बड़ा सम्स कहां आता है, कब आता है, ये आपका सीयू एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स मानी जाती है सीयू एग्जाम्स के लिए, खास करके बीकॉम के लिए, चाहे वो इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो आप लोग देखो क्वेश्चन क्या है, हम आपको आराम से और सुकून से समझाते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर्ड अ समराइज्ड बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट मैंने नहीं बनाया, मैंने ये सारा वर्किंग नोट्स को रेडी रखा आप लोगों के लिए कि समझ पड़ा है, ताकि हम इस बैलेंस शीट पे आपको पुटअप कर सकें। ये रिवाइज शेड्यूल सिक्स के मुताबिक ये बैलेंस शीट दी गई है, रिवाइज शेड्यूल सिक्स के मुताबिक ये बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको उतार दिया। देखिए, अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, दूसरा है करंट रेशियो जो कि 3:1, देन यू हैव फिक्स एसेट ₹16 लाख, रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी फंड 25%, एसेट टेस्ट रेशियो 3:2, कैश एट बैंक 30,000, लॉन्ग टर्म लोन कुछ नहीं दिया हुआ है, और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए आपको अप्रोच क्या करना, आपका जहन भी होना चाहिए कि आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कुछ आइटम्स लाइबिलिटीज का क्लियर करना है, मतलब निकालना है, कुछ आइटम्स आपको एसेट्स का निकालना है। आप लोग ऑलरेडी रिवाइज शेड्यूल सिक्स की बैलेंस शीट आप लोग ऑलरेडी कामयाब हो गए, अब सेमेस्टर फाइव से सिक्स में आ चुके हो, यू ऑल नो हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट में आए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किया पहला ही फॉर्मूला से, इट्स नथिंग बट अ गेम ऑफ ऑनर, बट उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए वही अगर आप जान जाइएगा तो आपको रेशनलिस्ट चैप्टर कुछ नहीं लगेगा। आप देखिए एकदम सिंपल तरीके से, जैसे कि पहला नंबर है, हम पहला नंबर का रेशियो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप देख रहे हो फिक्स एसेट बाय नेटवर्थ ये दिया हुआ आपका रेशियो में, विच इज 0.80/1। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, देखिए मैंने ये किया, अगर आप ये तो यह क्या होगा आपका नेटवर्थ इंटू 0.80 = what? फिक्स एसेट। वेरी इजी गाइस, तो नेटवर्थ को अगर फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट बाय 0.80, करेक्ट? तो फिक्स एसेट आपका क्वेश्चन में यहां दिया हुआ आप देख सकते हो, विच इज हाउ मच, 16 लाख, ये रहा 16 लाख मैंने पुट कर दिया, डिवाइड बाय 0.80 कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नेटवर्थ, विच इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन एवरी बिगेस्ट सम। और इसका दूसरा नाम भी है, नेटवर्थ को प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, ये आप जहन में रखना। ठीक है, जिस तरह से स्टॉक को इन्वेंटरीज बोला जाता है उस तरह से नेटवर्थ को प्रोप्राइटरी फंड्स भी बोलते हैं। तो आपका प्रोप्राइटरी फंड या नेटवर्थ 20 लाख रुपए, पहला स्टेप आप लोगों ने पा लिया। स्टेप टू में फिर से हम लोग नेटवर्थ का, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का दो फॉर्मुला होता है ना, जैसे हम जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, ये ए प्लस बी। तो उस तरह से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला को कब लगाया जाए। तो अभी आपको आपके सामने नेटवर्थ 20 लाख रुपए आ गए। अब नेटवर्थ का एक और फॉर्मूला, इट्स वेरी वेरी सिंपल, देखिए फिक्स एसेट और को जोड़ देंगे वर्किंग कैपिटल के साथ। अब वर्किंग कैपिटल तो आप जानते हो, आप छोटा क्लासेस में छोटा सा उसमें करते हुए आए हो, वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि हमको तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम को ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए। देखिए फिक्स एसेट एक ही चीज, देखिए मेरी दी हुई है, अगर फिक्स एसेट का बात उठाया तो फिक्स एसेट 16 लाख हम यहां बढ़ा देंगे, उसके बाद हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, यही है मेरे पास और तो कुछ नहीं है, तो फिक्स एसेट का बढ़ा लिया। कोई ऐसा चीज है जिसे आप डायरेक्ट, हाँ कैश एट बैंक, ये भी आप क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा ये 30,000 आप डायरेक्टली यहां बैठा दोगे, बाकी के लिए तो आप बैठे रहोगे। अब बैलेंस शीट टैली करें तो कैसे करें, सारी चीजें तो मालूम होनी चाहिए, ना ही करंट लाइबिलिटीज है, ना ही मेरे पास करंट एसेट है, ना ही मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ना ही स्टॉक है, ना ही अदर करंट एसेट्स है। तो ये जो सारा मैंने ये वर्किंग किया, ये आपको हेल्प मिलेगा, आपको दो चीजें आपके आपके सामने आ गई, आपने फिक्स एसेट भी लिख दिया और आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख दिया, और आप लोग एट द सेम टाइम अब आप नेटवर्क में वर्किंग कैपिटल में हम लोग आ गए। ठीक है, अब हम लोग वर्किंग कैपिटल में आए तो हमें देखिए साफ दिख रहा है, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग, फिक्स एसेट आपका 16 लाख दिया हुआ जो कि क्वेश्चन में ऊपर गिवन है,
और आपको वर्किंग कैपिटल को निकालना है और आपका 2 लाख रुपए नेटवर्क आ गया, तो इसके मदद से अब वर्किंग कैपिटल कितना निकाल लिए, 4 लाख रुपए लेकर आ गए। लेकिन वर्किंग कैपिटल तो बैलेंस शीट में इस्तेमाल नहीं होगा, आपको वर्किंग कैपिटल का मदद से करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज आप इजीली निकाल सकते हो, जो कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में आप सीख चुके हो। आपके पास वर्किंग कैपिटल है कितना है, 4 लाख, जिसका फॉर्मूला कहता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मैंने 4 लाख बढ़ा दिया, करंट एसेट माइनस का इसको इक्वेशन में फ्रेम कर लिया, क्या इक्वेशन आया, 4 लाख प्लस सीएल। अब 4 लाख प्लस सीएल आ गया, तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को करंट रेशियो दे दिया। अब करंट रेशियो क्या कहता है हम लोगों को, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। अब आपको ये करंट एसेट नीचे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया करंट 4 लाख प्लस सीएल, एंड सीएल विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो फाइनली जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 4 लाख प्लस सीएल, 3 सीएल को माइनस करते हो, तो आपका करंट लाइबिलिटीज भी आपका 2 लाख रुपया बाहर आया था। और अगर आप लोग जब करंट लाइबिलिटीज निकाल लेते हो तो संग संग आपका करंट एसेट्स क्या है, 4 लाख प्लस सीएल, तो आपका करंट लाइबिलिटीज भी आ गया और आपका करंट एसेट्स भी आ गया। ओके एवरीवन, तो आप देख सकते हो आपका करंट लाइबिलिटीज अब 2 लाख रुपया आ गया। तो खुशी की बात यह है कि मेरा एक और बैलेंस शीट का आइटम 2 लाख रुपया मेरा क्लियर हो गया। अब आप देखो, अब आपका करंट एसेट्स भी 6 लाख बाहर है, बट आप यहां पर करंट एसेट का सब हेड ऑलरेडी 3 है, तो आप डायरेक्टली तो करंट एसेट्स को नहीं लिख सकते हो, इसके अंदर बहुत, इसके फैमिली में बहुत सारा हेड्स है। तो पहले हम तो करंट एसेट्स में 2-3 चीजें है जो हम लोग को दिख नहीं रही है, तो हम लोग अभी करंट एसेट्स को रोक के रखते हैं, बट हमने करंट लाइबिलिटीज यहां पर 2 लाख रुपए जो आया मैंने वहां उतार दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या दिख रहा है कि हम लोगों को रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व में आते हैं हम लोग। ठीक है, रिजर्व, रिजर्व दिस रिजर्व और शेयर कैपिटल अगर मिल जाए तो मेरा लाइबिलिटीज का हिस्सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए रिजर्व क्या कहता है, 25% ऑफ द नेटवर्थ और द प्रोप्राइटरी फंड। तो हम लोग सबसे पहले प्रोप्राइटरी फंड निकाले थे ना 20 लाख रुपए, उसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 लाख रुपीज। तो देखिए मेरा रिजर्व एंड सरप्लस भी अब बाहर आ गया, तो हम बैलेंस शीट में इजिली यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस भी 5 लाख रुपीज लिख सकते हैं। बोलिए, एनी प्रॉब्लम देन, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन फिर हम फिर से आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अब आप फिर से देखो प्रॉपर्टी फंड कितना आपका, 20 लाख रुपए, तो फिर से मैंने वही लिखा, शेयर कैपिटल आपको निकालना है, क्यों, क्योंकि अब आप ये पा चुके हो तो आपको सिर्फ ये चाहिए ना, शेयर कैपिटल चाहिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए, रिजर्व आपका कितना दिया 5 लाख, शेयर कैपिटल वी नीड टू फाइंड आउट, तो हम ये 5 लाख को इधर लेके आए, शेयर कैपिटल अल्टीमेटली कितना बार आ गया, 15 लाख रुपया गेट दिस वन ऑल्सो। तो इस लिहाज से हम लोगों ने अब तक अपना लाइबिलिटीज का हिस्सा बाहर कर लिया। ठीक है, लाइबिलिटीज हम लोगों का क्लियर हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, तो हम लोग इस तरह से डैश कर देंगे और हम लोग लाइबिलिटीज बाहर कर लिए। हम लोग कितना लेकर के आ गए, 22 लाख रुपीज, वेरी इजली। अगर अब हम लोगों को 15 मार्क्स से बस ये 22 लाख से हम लोग दूर है, अगर हम ये 22 लाख भी इसको निकाल ले तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। तो आप देख सकते हो, देखिए 22 लाख मैंने यहां पर ढाल दिया, अब ये 22 लाख के लिए हम वर्कआउट करेंगे। तो देखिए 16 और 30 तो ऑलरेडी है ही मेरे पास। अब फिर मैंने कैलकुलेशन किया एसेट टेस्ट रेशियो, देखिए ये रहा एसेट टेस्ट, ये तो इस्तेमाल हो ही गया, ये भी इस्तेमाल हो गया, ये भी इस्तेमाल हो गया, ये भी इस्तेमाल हो गया, ये कुछ है नहीं, ये अब फॉर्मूला में देखिए मैंने इस्तेमाल कर दिया। आप लोग ऑलरेडी जूनियर क्लास का वीडियोस में, आप जूनियर क्लासेस में भी किए हो, और लास्ट वीडियो में भी मैंने लिख चुका है एसेट टेस्ट रेशियो का दूसरा तीसरा नाम भी होता है, क्विक रेशियो भी कहते हैं इसे। ठीक है, और इसे लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मुझे पता है करंट एसेट 6 लाख है, ऑलरेडी मैंने निकाल लिया, स्टॉक निकालना है 2 लाख ऑलरेडी है, इससे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख रुपए इधर आ गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। ओके एवरीवन, ये जो 3 लाख रुपीज जो आप लोगों का है, क्या निकला आपका, स्टॉक इन्वेंट्रीज निकल गया। तो अब हम सिंपली यहां पर ये इन्वेंट्रीज बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अब बच गया क्या मेरे पास, सिर्फ अदर करंट एसेट्स। तो अगर आप 22 लाख रुपए से ये 16 और 3 19 लाख माइनस 30,000 यानी कि 19 लाख 30,000 माइनस करेंगे तो मेरा कैलकुलेटर में कितना डिस्प्ले करेगा गाइस, आप लोग देखो 2,70,000 डिस्प्ले करेगा, वेरी गुड। तो अब हम कैसे समझेंगे ये 2,70,000 अदर करंट एसेट्स है, आप करंट एसेट्स की तरफ देखिए, ये 6 लाख की तरफ देखिए, कितना वैल्यू 6 लाख है, 6 लाख में आपका अगर 3 लाख इन्वेंट्रीज है और 30,000 अगर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अब ये जोड़ते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, ये दोनों जोड़ करके 3,30,000 आता है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग 6 लाख से अगर माइनस करेंगे तो मेरा अल्टीमेटली ये फिगर कितना आएगा, बोलिए आप लोग, 2 लाख
70,000 विच इज माई रिक्वायर्ड फिगर. ओके सो दिस इज फाइनली इज योर अदर करंट एसेट्स, और ये आपका अदर करंट एसेट बन करके इस तरह बैलेंस शीट में आ जाएगा 2,70,000. आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हो, आपसे पूछ बैठे कि ये 2,70,000 किस तरीके से आया, तो आप बोल सकते हो देखो ये 6,00,000 रुपए का पूरा करंट एसेट था, उसमें से 3,00,000 रुपए आपने करंट इसमें दे दिया, इन्वेंट्रीज में दे दिया, कैश इक्विवेलेंट 30,000 दे दिया, आपने डिडक्ट किया, आपका 2,70,000 रुपए आ गया. तो फाइनली हमने कितना पाया, 22 लाख रुपीज. तो देखिए बैलेंस शीट क्लियर. तो ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट सम्स है जो कि आप लोगों को आने वाले वक्त में, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा. आप ये वीडियो को अक्सर देखा करना, जितना बार हो सके देखना, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों को एग्जाम में भरपूर मदद करने वाला है गाइस. और जैसा कि मैं ऑलवेज कहता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे और आपको कुछ इस तरह का और कोई टफ स्टफ लेकर के सामने आएंगे और आप लोगों को फिर से हेल्प करेंगे, ताकि मेरा यही मैसेज है जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के जरिए से आप लोगों को दे पाए. थैंक यू वेरी मच.